इसका मेजरमेंट देखिए कैसे की, इसको नीचे पे रख दी जैसे हम लोग करते हैं ना वैसे तरीके। हेवी है छोटा मोटा, ये जो नट बोल्ट में नहीं रुकने वाला क्योंकि इसका वेट जो है कम से कम। ये वाले का तैयारी हो गया और इसको भी ऊपर लेके जाने वाले हैं। और इधर भाई साहब दोनों आ चुके हैं। और कितने सारा साइट हो गया अपना काम? 17 साइट काम हो चुका। 17 साइट इनको इंडोर स्टेडियम का मिला हुआ है। और नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आराना लाइट का जो वायरिंग कैसा होगा, तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे। आपको बताएं आराना लाइट कैसा फिटिंग हुआ, आप देखे एक टीम आया था बाहर से, उन लोग काफ़ी जगह से करते करते आ रहे हैं, बजाज कंपनी से आए थे उस टीम। तो अभी वो टीम जो है MCB को ड्रेसिंग उन लोग नहीं करेंगे, हम लोग को करना पड़ेगा और वहाँ पर वायरिंग भी हम लोग को करना पड़ेगा। तो उन लोग खाली लाइट का वायरिंग किए, तो हम आपको बताएंगे इसका लाइट का वायरिंग कैसे करेंगे, इसको बैलेंस कैसे बांटेंगे, पूरा डिटेल बताएंगे आज की वीडियो में। आपको लाइट भी ऑन करके दिखाएंगे आपका आराना का, ये देख सकते हो जितना भी पीछे का आराना का लाइट है वो सबको आपको ऑन करके आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कमले से लेकर का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप तो काफ़ी रिक्स पाल के इन लोग ऊपर जाते हैं और इसीलिए मैंने बोला कंपनी वाले को बुला लो बजाज से जो आएंगे, और हम लोग जो वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिकल का बस MCB और स्विच बोर्ड का वायरिंग जोड़ने वाले हैं, इन लोग केबल लेके छोड़ देंगे। तो देखिए कैसे तरीके से जा रहे हैं पूरा रिक्स पाल के। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है इसको चघाना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पर मेहनत ज़्यादा है। ठीक है, इन लोग का करीब 10-15 साइड कर दी ना इन लोग। ये वाले का तैयारी हो गया और इसको भी ऊपर लेके जाने वाले हैं। और इधर भाई साहब दोनों आ चुके हैं। और कितने सारा साइट हो गया अपना काम? 17 साइट काम हो चुका। 17 साइट इनको इंडोर स्टेडियम का मिला हुआ है। और अभी तो और कितने मिलेगा पता नहीं, 17 साइट कंप्लीट हो चुका है ये हमारा। उसके बाद जो उसके बाद और बहुत सारा साइट है बोल रहे थे। हमारा इंडोर स्टेडियम उड़ीसा में 98 पीस बन रहा है। तो ये आपको बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम बनेगा, नवीन पटनायक नहीं, तो यहाँ पर लिखेगा लेटर पर। तो ये 98 पीस कितना बन रहा है और अभी हम लोग को भी टोटल पता नहीं है। तो इन लोग टोटल 17 जगह करके आए हैं और इसके बाद यहाँ करने आए हैं। तो देखते हैं यहाँ का लाइट की कैसा होता है, वर्क कैसा करेगा। एक लाइट में तो देख रहे हो कैसा रोशनी आ रहा है, तो सभी लाइट जलेगा तो ये 44 लाइट कैसा रोशनी आएगा। तो इसको ऊपर जाने के लिए तैयारी चल रहा है, इसको भी देखते हैं 4 लाइट को भी कैसे लेंगे। वैसे ही लेंगे जैसे 2 लाइट को लेके गए हैं फ्रेम को। तो देखिए दोस्तों ये 4 लाइट जो है काफ़ी रिक से देख रहे हो कैसे जा रहा है, इसीलिए बल्ली लोग को कटिंग किए गया था। तो ये जा रहा है ऊपर और ये 3 बंदे भिड़े हुए हैं और ये ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पर जो है रखेंगे इसको। ठीक है, और उसके बाद इसका वेल्डिंग होगा। देखिए कैसे जाएगा, ये कोने कोने में जाएगा ऐसा, और उसके बाद ये हो गया ख़त्म। तो ये इसी तरीके से सभी लाइट को ऊपर लेंगे और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं आपको पूरा लास्ट में बताऊंगा उसका केबल वायर कैसे जाएगा। जो कनेक्शन दिया गया उससे लंबे केबल डालेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा तो वायर डाल दिए उसका लंबे पहले डालेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 सेटअप आ गया, उसके बाद ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो बीच वाले एरिया पर जो लग रहा है ना, तो वहाँ पर लग रहा है 4 LED, तो ये 4 और इधर 2। ठीक है, और सभी से ज़्यादा लगने वाला है बीच एरिया पर, देख रहे हो फंस गया वहाँ। जैसे ये जो है ये भी पहुँच गया और 2 ही बंदे यहाँ पर ऊपर डाल दिए, और इधर 1 बंदे और काम कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर 2-2 लाइट फ्रेम पे डाल रहे हैं। ये कहाँ पर लगेगा, ये बीच वाले एरिया पे। तो इसी तरीके से सभी को ऊपर डाल रहे हैं, उसके बाद जो है वायरिंग होगा कम्प्लीट। ये डबल वाले का वायरिंग चल रहा है और इसको जो है ना इसका वायरिंग जो है कैसा होगा आपको बता देता हूँ। ये भी अलग अलग एक तो आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 कोड बनने वाला है तो उसका जो है वायरिंग अलग होगा। जैसे एक सर्किट है इधर का, तो इधर ही वाले सर्किट में 1 4 लाइट होगा, उधर वाले में उधर होगा। ठीक है, तो इनको वायरिंग पहले से पता है कितने वायर रखना है डिस्टेंस पे और कितने दूर तक रखना है, सभी को इनको पता है। क्योंकि मेजरमेंट कैसा हो रहा है, वहाँ से मेजरमेंट हुआ, उसके बाद ये फ्रेम में आया। ठीक है, और इसको डिस्टेंस रख दिए क्योंकि ये ऊपर की ओर जाएगा और ये फाइनल। देखिए इसका वायरिंग कैसा हुआ है, इधर वाले अलग से वायर पे हुआ, उधर वाले अलग, तो ये अलग 2 कोड बनेगा, इसीलिए ऐसे तरीके से किया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पर और 2 आपको दिख रहा है, ये जाएगा बाहर तरफ और इसका मेजरमेंट हो गया है।
और ये देख सकते हो मेजरमेंट कैसे किए, पूरा हिसाब से किए ताकि वायर जोड़ सके। ये जाएगा उसमें, ये जो है बाद में लगेगा क्योंकि अलग अलग जो है ये वेल्डिंग होने वाला है ना, तो उसके लिए अलग अलग कर रहे हैं। माँ जी आगे आए थे और बोल रहे थे ऐसे ही चक जाता, बल्ली को काटना नहीं पड़ेगा। तो काटने क्यों नहीं पड़ेगा, आप देखिए कैसा जाके वहाँ पर फंसता है। देखिए एक लाइट फटेगा तो ये आपको प्राइस बताऊँगा ना, काफ़ी 30,000 का MRP दिखाया था आपको इसका लाइट का। और इसका लाइट का आपको सही प्राइस बताऊँ तो मेरे को ये भैया बताएं करीब ये है 20,000 रुपये का एक लाइट है। इसीलिए बोल रहे थे बल्ली को काटना पड़ेगा नहीं तो एक फटने से इनका जवाबदारी हो जाएगा। यहाँ का पूरा साइट का कंप्लीट हो गया आप देख सकते हो, और अभी इसका वायरिंग चलने वाला है। तो वायरिंग कैसा होगा, यहाँ पर सर्किट कितना है, 1, 2, 3, 4, एक सर्किट हुआ 1, 2, 3, 4, वो दूसरा सर्किट, टोटल 3 सर्किट यहाँ से जाएगा। इसका वायरिंग चलेगा उतना समय आपको बताएंगे कैसा इसका लेने वाला है। एक बार आपको स्टार्टिंग में देखा था KEI का, ये हमारा पॉलिथीन में नहीं है, ये बोरी पे डला हुआ है। और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है आपको बता देता हूँ, और इससे सॉफ्ट अपने को और कंपनी में बहुत सारे मिलता है। फिर जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है वही कंपनी का वायर यूज करना है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं 2.5 mm का 3-core केबल है। तो ये KEI का केबल वायर देखिए 11,000 volt और 3-core 2.5 mm का वायर। तो FRLX A भी है, फायर प्रूफ है। तो अभी देखिए ये पॉलिथीन से फाड़ दिए और इसका वायरिंग जो है करने वाले थे, फिर अभी वो काम छोड़ के ना ये बीच वाले का काम चालू हो गया। तो देख सकते हो बीच में एक दो लाइट चले गया, एक साथ यहाँ पर जाने वाला है, चार चार और जाने वाला है। तो ये बीच वाले एरिया में, तो अभी हमारा वायरिंग जॉइंट चल रहा है, तो देखते हैं बीच में कैसा होगा। हम साइट का तो आपको पता चल गया कैसे तरीके से यहाँ पर ऊपर लिए, तो ये बीच वाले को देखते हैं। अब बीच वाले में दो दो लाइट जा रहा है, ठीक है, जो वायरिंग किए थे ना उतना समय का। तो ये ऊपर चले गया और अभी देखिए दो लाइट तो ऊपर गया है और साइड पे और जाएगा यहाँ पर, तो ये बीच वाले लाइन पे लगने वाला है। चलो ये जो है जाएगा ऊपर की ओर, और उसके बाद दो केबल उधर गया है ना, तो दोनों लाइट के लिए दो केबल इधर आएगा, दो तो ये अलग सर्किट बनेगा, ठीक है, दो प्लेटफॉर्म का आपको बताया था। तो देखिए कैसे जा रहा है ये, और ये जाएगा ऊपर की ओर और ऊपर में इस साइड पर रह जाएगा, ठीक है, उसके बाद ये वेल्डिंग होगा। ये देखिए दोस्तों ये अभी जा रहा है चार लाइट, ये लंबा है, ये देखिए 20 फीट का करीब स्क्वायर पाइप है, और ये देखिए तो ये जाएगा कहाँ पर, ये बीच वाले एरिया पे। देखिए यहाँ पर दो गो और यहाँ पर दो गो, चार गो हो गया फिटिंग, और इधर हमारा और चार लगेगा उसमें, उसके बाद उधर चार, उधर दो, फिर उसमें दो। तो इसी तरीके से ये जो है पूरा 20 सेंटर में जाने वाला है। तो देख रहे हो काफ़ी हेवी है और बहुत ताकत नहीं लगेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बंदे लोग आए हैं। अभी देख रहे हो रातों रात इनको फिटिंग करने में टाइम नहीं लग रहा है। और ये केबल देखिए वहाँ पर बीच वाले एरिया में हमारा केबल ज्वाइन कर दिया, मेरे को उधर काम चले गया था तो मैं आपको बता नहीं पाया। तो केबल जो है बीच एरिया में हमारा जो है लंबे केबल डाल दिया गया। आप अब देख सकते हो ये केबल बीच में जो खोले थे, ये 3-core केबल है, तो ये वाले बीच पे डाल दिए गए, ठीक है। ये जो क्या होगा वहीं पर डायरेक्ट ये वेल्डिंग हो जाएगा, उसके बाद ये बीच वाले एरिया पे और लगने वाला है। ये केबल आ गया है और इसका वायरिंग तो बाद में होगा, अभी सभी का केबल जो है, ये दो केबल के उन लंबे वाले जोड़े ये अपने को जाएगा वहाँ पर। मेजरमेंट कैसे लेंगे आपको बताऊँगा, यहाँ पर इसको मेजरमेंट लेने वाले इधर नीचे रखेंगे और उधर सीधा ले जाएंगे। हम लोग जैसे मेजरमेंट करते हैं ना इलेक्ट्रिकल वर्क में, तो इसको जो है हम लोग को करना है। ये केबल को इन लोग क्यों इतना सारा मंगा रहे थे आपको बता दूं, क्योंकि ना इनको बार बार मेजरमेंट नहीं लेना है। तो दो केबल जो है उसमें जोड़ दिया गया है, यहाँ पर चार केबल पैकेट है, यहाँ पर 400 मीटर 100 मीटर का है। तो ये दो केबल अभी ज्वाइंट हो रहा है, आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पर ज्वाइंट कर रहे हैं, यहाँ पर दो केबल ज्वाइंट हो रहा है, एक केबल उधर ज्वाइंट होगा, एक केबल इधर। तो ये जो है केबल जॉइंट होगा और ये नीचे में रहेगा, ठीक है। और क्या करेंगे इन लोग, मेजरमेंट कैसे लेंगे आपको बताते हैं, और इन लोग का मेजरमेंट कैसा होता है हम अभी भी देख लेंगे। तो बातों में एक छोटा सा गलती हो गया, इधर का लाइट पॉइंट का उधर हो गया, उधर लाइट पॉइंट का इधर। तो क्या करेंगे अभी हम लोग लाइट को खोलेंगे और उधर पलटी कर देंगे, इसको गलत नहीं करना है। जिधर एरिया का हमारा लाइट पॉइंट है उधर एरिया का पॉइंट जुड़ना चाहिए। तो 17 जगह काम करके इन लोग रात को सोए नहीं है ना, तो इनका दिमाग जो है फ्रेश नहीं हुआ है। चलो लाइट लोग को पलटी कर देते हैं इधर से इधर, और जैसा है वैसा ही तरीके से यहाँ पर बैठा देते हैं। तो देख रहे हो यहाँ का नट बोल्ट जो है ये 3.5 इंच का, ये 2 इंच का पाइप है।
जो भैया एक हैं और मेरे को पूछ रहे थे आपका यूट्यूब चैनल क्या है, तो मेरा चैनल अभी इन लोग ढूंढ लिए, आप देख सकते हो कमलेश इलेक्ट्रीशियन, और इसमें एडवर्टाइज आ रहा है और इसमें क्या है देखते हैं क्या देखने की कोशिश। तो देख रहे हो दोस्तों जो वीडियो मेरा वायरल हुआ है ना, वही वीडियो ही लगा दिए यहाँ पर, देख रहे हो हमारा स्टेयर केस में यहाँ पर 1 मिलियन चले गया हमारा। तो दोस्तों सभी लोग को थैंक यू जो जो मेरा वीडियो देखते हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं, और देखिए इनको भी बता दिया चैनल का नाम, दो भी देख रहे हैं, काम छोड़ दिए अभी और यूट्यूब हमारे चैनल को ढूंढ रहे थे इन लोग, तो एक ही बार सर्च किए, बाकी बंदे काम कर रहे हैं ऊपर वेल्डिंग, और ये 3 बंदे थे नीचे में काम करने के। वहाँ का तो सेटअप हो गया, उसके बाद ये एरिया बचा है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, पार्ट बाई पार्ट बनाने वाले हैं हम लोग, तो इसमें पूरा पूरी लाइट की फिटिंग आपको दिखाएंगे पूरा। उसके बाद इसका वायरिंग जो होगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे, उसका हम आपको अलग से बनाएंगे। देखिए ये रेडी हो गया आप देख सकते हो, और ये केबल है, और ये केबल जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 केबल इसी के साथ है, और ये डायरेक्ट जो है मेजरमेंट हो जाएगा एक साथ, ठीक है। ये केबल को साइड पे रख दिए और ये जा रहा है ऊपर, सेटअप हो गया वहाँ का, और ये बीच वाले का सेटअप। देखिए दोस्तों एक और बीच का जो डायरेक्शन के लिए, देखिए कैसा ये लाइट पॉइंट के लिए बना रहे, इसको जो है ऐसा फ्रेम बनने वाला है ताकि ये जो है चारों तरफ हमारा लाइट डायरेक्शन होगा। तो ये जो है जाएगा बाद में, पहले उसको लेके जाने वाले, और बीच पे और 4 लाइट लगेगा चारों तरफ डायरेक्शन के लिए, इसीलिए बीच पे वहाँ पर लाइट। देखिए दोस्तों ऊपर तो पहुँच गया हमारा लाइट, और उसको जो है सेटअप कर देना वहीं पर, ठीक है। तो उसके बाद वेल्डिंग होगा पूरा सेंटर में लेके, और ये केबल नीचे रह रहा है, ठीक है। तो 4 को केबल हो गया यहाँ पर, और ये 4 केबल को मेजरमेंट करके अभी डिस्कनेक्ट करेंगे इन लोग। देखिए इसका सेटअप देख रहे हैं सीधा लाइन पे आया कि नहीं, तो सीधा लाइन पे तो आ गया है, और ये कंप्लीट हो चुका, और इधर वाले अभी और बचा है, 2 जगह और करना है, उसके बाद जो है ये फाइनल हो जाएगा बीच वाला। जैसे साइड का तो हो गया, साइड वाला जैसा हुआ है वैसा उधर भी होगा। देखिए दोस्तों जितना भी वायर था, ये 4 केबल जो है इसका मेजरमेंट देखिए कैसे किए, इसको नीचे पे रख दिए जैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे तरीके से किया गया है, नीचे पे रखा गया है, और ये ला के यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो ये हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे। तो ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और ये आएगा, और ये स्विच बोर्ड है, तो इसमें स्विच बोर्ड में भी जाएगा और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। तो कैसा जाएगा अभी हम आपको डिटेल बताएंगे बाद में, क्योंकि अभी वायरिंग चल रहा है वायर का। उसके बाद इधर का भी मेजरमेंट चल रहा है आप देख सकते हो, इधर तरफ का भी हो गया, बीच वाला भी हो गया, उसके बाद जो है इधर और बचा है उसको भी तैयारी कर रहे हैं आप देख सकते, ले रहे हैं वायर का यहाँ पर जॉइंट के लिए, और ये देखिए कैसा मेजरमेंट ले रहे हैं, वहाँ पर जाएगा, और ये देखिए ये यहाँ पर एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ये कटिंग होगा और ये जॉइंट होगा, तो यहाँ पर फाइनल हो गया। और उसके बाद हम 16-17 जगह काम किए ना इनको, तो पूरा प्रैक्टिकल इनको नॉलेज है पूरा। अभी वायर देखना यहाँ पर जितना भी वायर है, आपको ये लाइट लगने के बाद ना नीचे से बिल्कुल नहीं दिखेगा, क्योंकि ये केबल टाई के थ्रू ये आ जा रहा है ऊपर में। चलो इसको करते हैं अब, देख भाई साहब देखिए वहाँ पर गया है बीच में, और ये स्क्वायर स्टार बना रहा है वहाँ पर। जैसे ही हम लोग किए वैसे दूसरे पार्ट पर, वैसे ही हमारा फ्लेक्सिबल में हमारे को अंदर डाल देना है, ठीक है। काम के लिए अपने अपने बंदे हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल अब वायर मेजरमेंट कर दिए, उसके बाद वायरिंग चल रहा है इधर, और एक लाइट लगाने वाला उधर लाइट लगा रहा है कंटिन्यू, ये उसका लाइट लगा रहा है। उसके बाद केबल मेजरमेंट हो रहा है, फ्लेक्सिबल पाइप डाल रहे हैं, और भैया आए अभी वायरिंग के लिए, अब ये वायरिंग करते जाएंगे साथों साथ, और वेल्डिंग करने वाले अलग है, और उसके बाद वायर जैसे कि हमारे को जो दोस्तों आपको बताते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सभी तरफ हमारा लाइट लग चुका है, और आप सोच रहे होंगे इसका वायर कैसा नहीं दिख रहा है, तो आपको पूरा डिटेल बताएंगे हम आपको पूरा, इसका वायरिंग कहाँ से कहाँ हुआ और किस तरीके से आया आपको दिखाते हैं। ऊपर लेके आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि काफी हाइट है यहाँ से, करीब 11-12 मीटर अपना दूर है, और ये देखिए तो अपने को यहाँ से नीचे से नहीं दिख रहा। तो देखिए ऊपर में हम लोग आ गए, और ये बेंड छोड़े थे हम लोग, वॉल कटिंग किए थे उस समय। तो देखिए इस तरीके से पाइप कैसा हुआ, यहाँ पर फ्लेक्सिबल पाइप दिया गया है, ये हमारा 16 mm का और वो 40 mm का फ्लेक्सिबल पाइप है। तो सभी का देखिए लाइट का कैसा आया, ऊपर में जो हमारा स्क्वायर पाइप है उसी के ऊपर जो है हमारा वायर लोग आ गया है आप देख सकते हो।
तो किसी तरीके से पूरा हर जगह का ना वैल लोग को लेके आया गया है, तो नीचे से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, जैसे ट्रे के जैसा हो गया है। और इसके बाद हम आपको नीचे तरफ लेके चलते हैं और देख सकते हो यहाँ पर हमारा केबल आ गया। केबल कितने सारा है आप देख सकते हो, ये हमारा टोटल है, यहाँ पर दो दो पीस हमारा केबल एक पाइप में आया है, बाकी है तो ये हमारा टोटल होगा 3 और 4 और 4 सर्किट, टोटल हमारा 11 सर्किट हो गया और 11 वायर जो हमारा पूरा केबल आया है और ये मेन लाइन का। और ये जाएगा कहाँ अभी दिखाते हैं, यहाँ पर हमारा RYV 3 फेज में बांट दिया गया है, तो वो नीचे में स्विच बोर्ड पे जाएगा और स्विच बोर्ड से MCB में, देखिए तो पूरा ये ऊपर से नीचे अंदर ग्राउंड हो गया है। और काफी जगह इंडोर स्टेडियम में पूरा ओपन ही ठोका हुआ है क्योंकि काजू यहाँ पर केसिंग पट्टी और ट्रे दिया गया है, तो हम लोग इसको फिनिशिंग करने के लिए अंडरग्राउंड कर दिए। और ये बाहर से भाई साहब लोग आए हैं बजाज कंपनी से और इन लोग का पूरा काम है पूरा वायरिंग करके देना, तो इनका अर्थिंग और न्यूट्रल को कर दे रहे हैं और बाकी काम हम लोग को करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास मटेरियल भी नहीं है और इसके लिए स्विच नहीं आया 16 एम्पियर का। और ये आप देख सकते हो आर वाला फेस में 4 वायर, ठीक है, तो ये 4 सर्किट। उसके बाद देखिए अपना रेड वाले पे भी 4 वायर थी, तो इस तरीके से 3 फेस का पूरा बैलेंस बना के रखा गया है। और ये देखिए ये भी 4 वायर है और उसके बाद ब्लू वाला 3, तो टोटल हमारा 11 वायर हुआ, ठीक है। तो 11 वायर के लिए पूरा 11 MCB अलग बैठने वाला है, तो पूरा MCB के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। यहाँ पर MCB का ड्रेसिंग चल रहा है, इन लोग का काम है अर्थिंग और न्यूट्रल को जोड़ देना और टेस्टिंग कर ली इन लोग पूरा ऑन करके, तो देख सकते हो यहाँ पर लक्स लगा के अच्छे तरीके से इन लोग भी कर रहे हैं हमारे जैसे, जब लोग हम लोग करते हैं इनको बता दिया गया तो इसी तरीके से करने के लिए, तो इन लोग जा रहे हैं, काम हो गया इनका। बाकी देखिए पूरा पिकअप लेके आया, तो पूरा टीम लेके आए और एक ही दिन में खत्म कर दी इन लोग, तो देखिए बाकी काम हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग को लेना है MCB से वायर इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग को MCB से स्विच से कनेक्ट करना है, ये होल से दोनों पॉइंट से निकालना है और यहाँ पर हम लोग को देना है। तो ये हमारा न्यूट्रल अर्थिंग तो हो गया कंप्लीट, ये मेन वाला हमारा 6 mm का वायर है और ये जो आया ये हमारा 2.5 mm का वायर लोगे, ठीक है। तो ये चलो ये तो कंप्लीट हो गया अर्थिंग अच्छे से और न्यूट्रल भी, और उसके बाद हमारा मेन वाला है, तो हम लोग को करना है ड्रेसिंग इसको। और ड्रेसिंग करने के पहले यहाँ पर हम लोग मेजरमेंट ले लेते हैं जो हमारा लाइट पॉइंट का स्विच बोर्ड पे रहेगा, और कंपनी जो हमारे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग दिए थे ना तो यहाँ पर स्विच बोर्ड नहीं था, हम लोग पर्सनली इसको स्विच बोर्ड बनाए क्योंकि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा ना, तो बार बार MCB को करेंगे तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग प्लान की यहाँ पर स्विच बोर्ड दे देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेन का मेजरमेंट चल रहा है और केबल टाई से अच्छे से फिनिशिंग कर रहे हैं, तो इसको जो हम लोग को अच्छे से फिनिशिंग इसलिए करना है ताकि यहाँ पर ड्रेसिंग करने के लिए काफी अच्छे से होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर हम लोग केबल टाई को काट लेते हैं और ये देख सकते हो यहाँ पर हम लोग को मेजरमेंट लेना है, ये हमारा पॉइंट वाला R वाला RYV, तो ये देख सकते हो आर वाले को लेते हैं मेजरमेंट और इसमें हम लोग को पूरा लॉक्स लगाना है, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है यहाँ पर। और ये देख सकते हो यहाँ पर MCB सब लग चुका और ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजरमेंट लेने के बाद जो है जैसे कि हम लोग MCB पे लगाते हैं उसी तरीके से इसको भी सेटअप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर केबल टाई लगा के इसको मेजरमेंट लेते हैं और आपको बताएंगे यहाँ पर लक्स लगाना है ना, तो लक्स जो हम लोग यहाँ पर कॉपर वाला यूज करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं कॉपर वाला कौन सा है यूज करने वाले, ये देख सकते हो कॉपर लक्स है और ये देखिए 2.5 mm का है और ये नॉर्मल वाला कॉपर वाला ये नॉर्मल वाला, तो ये नॉर्मल वाला बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कॉपर का वायर है और हेवी लोड हो रहा है, 4 लाइट जल रहा है 250 वाट का, तो आप सोच सकते हो कितना लोड हो गया यहाँ पर 1000 वाट, तो ऐसे ही हो जाएगा अपना। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर अपने को कॉपर वाला लक्स लेना है और सभी में पंचिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हेवी काम हो रहा है ये हमारा PDV है ना आरना का, तो इसमें अपने को पूरा हेवी काम करना है, लो क्वालिटी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो स्पार्किंग के कारण खराब हो सकता है लाइट। तो चलो यहाँ पर क्लिंपिंग कर लेते हैं, क्लिंपिंग बिना करे इसको लगाएंगे नहीं हम लोग, तो इसको अच्छे से क्लिंपिंग कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 2.5 mm का डाई है, डाई में डाल दी, उसके बाद टेप लगा लेते हैं
और ये टेप लगाने के बाद दोस्तों और फिनिशिंग आ जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर हमारा SPN का MCB है, उसमें एक एक करके यहाँ पर लगा देने का है, ठीक है। और आप सोच रहे हो इतना सारा 4 पॉइंट है, इतना MCB क्यों दिख रहा है, तो यहाँ पर DP भी दिया है, RCC भी दिया है और मेन भी दिया गया, तो पूरा वायरिंग करने वाले हैं इसका। तो ये देख सकते हो यहाँ पर मेन का वायरिंग उसके SPN का हो गया। इसमें देखिए पहले न्यूट्रल डाल लेते हैं यहाँ पर, और इसमें भी हम लोग लक्स मतलब पिन टेस्टर लक्स लगाए यहाँ पर जो MCB पे, बिल्कुल कंजूसी नहीं कर रहे हम लोग एक भी काम पे। यहाँ पर देखिए RYV, तो ये तीनों फेज जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और आपको एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पर कनेक्शन तो कर रहे हैं, फिर लाइट हमारे पास 3 फेज का भी है नहीं, ट्रांसफार्मर अब लगेगा नहीं, तो कुछ दिन के बाद लगेगा। तो चलो हम आपको तो लाइट ऑन करके दिखाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो RCCB पे जा रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल पे न्यूट्रल इस टाइप का पिन आपको बनाना पड़ेगा। और मिलता है तो छोटा रहता है वो, खाली RCCB में कनेक्शन नहीं रहता है, तो इसको हम लोग को बनाना पड़ा पिन को। और इस तरीके से यू सर्कल में अभी हम लोग 3 फेस को कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और न्यूट्रल भी साथों साथ। तो ये हो गया हमारा मेन। उसके बाद RCCB से कहाँ जाएगा, आप सोच रहे हो कहाँ जाएगा, ये आपको बता दूं, ये RCCB से यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है कंप्लीट हो ही चुका, आप देख सकते हो किस तरीके से। लिए RCCB में पहले MCB में आया, MCB में 63 एम्पियर में आया, उसके बाद RCCB में आया, 63 एम्पियर का AV है, उसके बाद ये 32 एम्पियर के DP में गया डबल पोल, उसके बाद SPN में गया, ठीक है, RYV का। और आपको बता दूं न्यूट्रल जो है यहाँ पर SPN और ये सिंगल सिंगल SPN है, उसके बाद जो है हमारा सर्किट जो है यहाँ से ऊपर की ओर आया, और ये सर्किट लोग पूरा हो चुका, आप देख सकते हो RYV का, और ये कंप्लीट, ठीक है। न्यूट्रल आप सोच रहे कहाँ है, तो DP से डायरेक्ट न्यूट्रल कनेक्ट है। और ये देख सकते हो यहाँ पर वायर जो हमारा आ गया MCB का, RNA का, दोनों का वायर आया है। और अभी हम लोग टेम्परी इसको ऑन करने वाले हैं, यहाँ पर डेडीमेंट पे वायर लगा दिए है टेम्परी स्विच बोर्ड पे, और 3 फेज का लाइन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग ऐसे ही सिंगल फेज से चालू करने वाले हैं, और देखते हैं लाइट कैसा चलता है यहाँ का, चल पाता है कि नहीं। मेरे को डाउट लग रहा है इतना पतला वायर में हमारा चलेगा नहीं, अभी टेम्परी हम लोग चेक करेंगे। चलो हम लोग चेक करते हैं आर वाले फेस पे, आर लगा के एक एक करके देखते हैं, ये आर वाला हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो बीच वाला हमारा 4 लाइट जल गया दोस्तों, और रोशनी देखिए काफी ज्यादा मिल रहा है, 4 लाइट पे हमारा 250 वाट का लाइट है ना, तो लुमिनेंस तो 275 लिखा है, तो 250 वाट में काफी अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। और ये देखते हैं यहाँ पर हमारा जो लाइट एक एक करके सबको जोड़ते हैं, मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, और चल तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगा, तो एक एक करके जोड़ के देखते हैं कितना लोड पड़ रहा है, आप देख रहे हो। और ये देखिए पूरा लाइट इधर बीच वाले एरिया का पूरा जला दिए, और अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर आपको कैसा रहेगा। देखिए यहाँ पर लाइट तो जला दी, उसके बाद इधर और 2-3 बचा बहुत सारा, और देख सकते हो इसी वायर पे हम लोग जला दे रहे हैं। और ये देख रहे हो दोस्तों यहाँ पर लाइट कैसा ब्लिंग हो रहा है, जैसे ही हम लोग लोड डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ब्लिंग हो रहा है, एक साथ बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि कम वाटेज लोड मिल रहा है ना वायर पे, तो हम लोग इसका 3 फेस आएगा तो पूरा। फाइनली हम लोग जितना भी लाइट को टेस्टिंग कर लिए, और आपको हर लाइट को ऑन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारे को 1.5 mm वायर पे अभी टेस्टिंग के लिए दिया गया है, क्योंकि ये 3 फेस का लाइन हमारे पास नहीं है, हम लोग ऐसे लूपिंग करके अभी चला रहे हैं, आप देख सकते हो इसका स्विच बोर्ड भी लगेगा, तो हम जो है इसका हम आपको बताएंगे और एक नया अलग वीडियो में पूरा डिटेल बता देंगे। यहाँ पर इसका इंडोर स्टेडियम बनेगा ना, तो हम आपके वीडियो में बने हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको इंडोर स्टेडियम जब यहाँ पर उड़न लगेगा, उसी समय हम आपको स्विच में और पूरा लाइट ऑन करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा इंस्टॉलेशन का था, ये इंस्टॉलेशन हो चुका, और इसका जितना भी डायरेक्शन था वो डायरेक्शन में हमारा जो लाइट लोग लग गया देख सकते हो, और जो जो कंपनी वाले आए थे वो लगा के चले भी गए, और हम लोग को लगाना था डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, वो भी हम लोग लगा दिए, बच गया स्विच, स्विच आएगा तब कंप्लीट होगा। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को कर ली सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और ऐसा ऐसा इंडस्ट्री इलेक्ट्रिकल वर्क आपको पूरा वीडियो में हम आपको डिटेल बता। फ्लड लाइट 250 वाट का है, तो फुल रोशनी हो रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों। वीडियो आप स्टार्टिंग से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कैसे तरीके से इसको इंस्टॉलेशन किया गया है, और काफ़ी मेहनत लगा इसके लिए, बाहर से बंदे आए थे। यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, ताकि कमलेश इलेक्ट्रिकल का आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।